हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इलाइट इंस्टीट्यूशंस के वीडियो क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हमारे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में, और टॉपिक होगा आज हमारा स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेक्टिफायर की बात करी थी इसी चैप्टर के रिगार्डिंग। रेक्टिफायर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स, पूरी डिटेल्स हमने पिछले वीडियो के लिंक में दे रखी है, आप हमारे वीडियो का लिंक जो है हमारे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक मिलेगा इजीली, तो आप उस वीडियो को देखें। इससे पहले आपको आज का वीडियो समझने के लिए, देखने के लिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी एन जंक्शन डायोड को समझना बहुत जरूरी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इन पॉइंट्स को नहीं देखा है अच्छे से पहले, वो मेरे पिछले वीडियोस में जाके इन पॉइंट्स को अच्छे से समझें और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें। और जो स्टूडेंट्स पी टाइप के सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी एन जंक्शन डायोड उसकी बाइसिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके स्टूडेंट्स, तो जो है आप अपना कॉपी और पेन अपने साथ रखें नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो मिलते हैं हम आज के हमारे नए टॉपिक के साथ में, स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड। स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड्स को हमने थ्री टाइप्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट हमें फोटोडायोड को स्टडी करना है, सेकंड लाइट इमिटिंग डायोड को स्टडी करना है आज की क्लास में, और सोलर सेल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, स्पेशल पर्पस डायोड को मैं एप्लीकेशंस भी कह सकता हूँ, हम ये भी कह सकते हैं कि हम एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स, हम डायोड्स को किन फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। फोटो डायोड, एलईडी जो हम घर पे यूज करते हैं नॉर्मली, और सोलर सेल जो गाँव में यूज करे जाते हैं, तो ये वाली जो कंडीशंस हैं सारे, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ये डायोड से ही इनका फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, फोटो डायोड। ओके, तो बात स्टार्ट करते हैं फोटो डायोड पे, हमारा फर्स्ट टॉपिक फोटो डायोड। तो फोटो डायोड का सबसे पहले सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन देखिए, किस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको इजीली समझ में आता है कि देखिए ये जो सिंबल है ये पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है, और अगर मैंने यहाँ पे लाइट को इस तरीके से इमिट करके दिखा दिया तो ये हो गया सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो डायोड। ये फोटो डायोड का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये एनोड पार्ट हो गया इसका, ये वाला पार्ट कैथोड हो गया, ये पी एन जंक्शन हो गया। स्टूडेंट्स, अच्छा इसके वर्किंग की बात करते हैं, पी एन डायोड का जो है वर्क, जो है इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या होता है, ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टूडेंट्स, लाइट एनर्जी को, जो लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, डायोड पर आके लाइट को स्ट्राइक करवाना है, जो सनलाइट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, जब वो जंक्शन पे स्ट्राइक करेगी, तो स्ट्राइक करने पर जो लाइट जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका जो वर्क है वो क्या है, जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी इनटू कन्वर्ट हो जाती है आपकी लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को आपने किसमें कन्वर्ट कर देना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का वर्क करता हमारा फोटो डायोड। स्टूडेंट्स, ओके, कनेक्शन की बात करें तो देखो मैंने पहले भी कहा था कि मतलब आप जो है कनेक्शन को अच्छे से रीड करके आए, स्टडी करके आए इस टॉपिक को, आज की वीडियो को देखने के लिए। तो डायोड में जो कनेक्शन है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में हम करते हैं नॉर्मली, और रिवर्स बाइसिंग में करते हैं। तो अगर हमें फोटो डायोड बनाना है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें पी एन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइस में कनेक्ट करना होगा, रिवर्स बाइसिंग। ओके, इसकी जो बाइसिंग है वो हमें रिवर्स बाइसिंग करनी होगी। रिवर्स बाइसिंग का सिंपल सा फिनोमिना आपको समझ में आना चाहिए, मतलब जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के पी टाइप के सेमीकंडक्टर पे कनेक्ट हो जाएगा, सॉरी नॉट पी टाइप, एन टाइप के सेमीकंडक्टर पे कनेक्ट होगा, और जो एन नेगेटिव टर्मिनल है वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर से कनेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक फिनोमिना है फोटो डायोड का। स्टूडेंट्स,
देखिए स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड का फर्स्ट टॉपिक फोटोडायोड। फोटोडायोड का सबसे पहले सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, वर्किंग क्या होता है फोटोडायोड का, इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज अ डिवाइस व्हिच इज कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटोडायोड। हम अपने सेंस में अपनी लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर सकते हैं। किस टाइप से कनेक्शन करोगे आप इसका इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसका जो कनेक्शन करना हमें रिवर्स बायसिंग में करना है। रिवर्स बायसिंग का मीनिंग हमें इजीली समझ में आना चाहिए। जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो कनेक्ट हो जाएगा एन टाइप के सेमीकंडक्टर से, और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर से स्टूडेंट्स कनेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब हम जो है फोटोडायोड के पीछे का जो फिजिक्स है, ये किस तरीके से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस फिनोमिना को समझने का ट्राई करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब जो है फोटोडायोड बनाते हैं, पी एन जंक्शन को पहले क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम किसको अब हम किसकी बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। फोटोडायोड किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, किस टाइप की फिजिक्स इसके ऊपर अप्लाई होती है, और कैसे ये वर्किंग में लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी वर्किंग, इसके फिजिक्स को हम नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए ये हमने सबसे पहले रेडी कर देना है एक पी एन जंक्शन, ये आपके पास में। अब देखो ये सारी चीजें समझते हैं, पी एन जंक्शन डायोड हो गया, ओके, जिसमें दो पार्ट्स हो जाते हैं पी टाइप और एन टाइप। ये आपका पी टाइप हो जाना है, ओके, और जो दूसरा पार्ट है वो हो जाना है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, पी पार्ट्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स। देखिए होल्स यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे स्टूडेंट्स, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। एन टाइप में बात करेंगे तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फॉर्मेशन में होते हैं, ओके, और हमें इसको कैसे कनेक्शन करना है, कनेक्शन जो है इसका करना है रिवर्स बायसिंग में। अच्छा देखो इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में ये क्यों नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बना रहा। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता। अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं इसकी वर्किंग को स्टडी कर रहे हैं, वो ब्लॉक डायग्राम से स्टडी कर रहे हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम ही बनाएंगे। ओके, कैसे कनेक्ट करना है इसको रिवर्स बायसिंग में, तो रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करना है तो जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग इसमें बैटरी के पी टाइप का सेमीकंडक्टर, जो पी है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। देखिए यहाँ पे बैटरी का आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, ओके, और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हो गया एन टाइप से। ठीक है, एक छोटा सा स्मॉल रेजिस्टेंस भी हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, ओके, और एक लाइट मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आएगी, जो करंट आएगा उसको मेजर करने के लिए हम एक माइक्रो एमीटर भी हम इस ब्लॉक डायग्राम में स्टूडेंट्स यूज कर लेंगे। ओके, देखिए वर्किंग ज्यादा समझ फॉर रिवर्स बायसिंग में वर्किंग आपको इजीली समझ में आती होगी। ओके, और हम लोगों ने नॉर्मल ये भी देख रखा है कि यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। ठीक है, पी एन जब जंक्शन डायोड बनता है तो डायोड बनने पर क्या होता है कि एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, देखो फिलहाल जो सिचुएशन है, अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन देखोगे तो ये न्यूट्रलाइज कंडीशन में है, एन टाइप भी न्यूट्रलाइज में है, पी टाइप भी न्यूट्रलाइज है। बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा बता रहा हूं आप लोगों को, जबकि देखिए एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे तो ये तो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, और पी टाइप में क्या है होल्स हैं तो होल सकते तो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, बट ये ना ही नेगेटिवली चार्ज होगा ना ही ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कंडीशन में है। न्यूट्रलाइज कंडीशन में क्यों है इसको थोड़ा सोचना कैसे है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपने क्या किया, हम लोगों ने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिक्स किया है, बात को समझना। एन टाइप जब हमने इंप्योरिटी एन टाइप जब हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो किसी प्योर सेमीकंडक्टर में हमने किसको मिक्स किया, हमने मिक्स किया किसी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को। अब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से हमें ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला है स्टूडेंट्स, समझना। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से हमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला है तो हमें उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी तो एक्स्ट्रा मिला है। ओके, फिर से समझना, हमने जिस इंप्योरिटी को एन टाइप या पी टाइप में मिक्स किया है एज ए डॉपिंग, उस डॉपिंग में हमें क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन तो हमें एक्स्ट्रा में मिला फ्री, बट उसके न्यूक्लियस में हमें एक प्रोटोन भी तो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन हमें एक्स्ट्रा मिला, तो एक प्रोटोन भी हमें एक्स्ट्रा मिल गया। तो न्यूट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज,
तो दोनों एक दूसरे के साथ में क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो अभी फिलहाल वाली सिचुएशन में एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखेंगे तो न्यूट्रलाइज है, ओके, नेगेटिवली चार्ज नहीं है। आप ऐसे ही पी टाइप को देखेंगे तो पी टाइप भी अभी फिलहाल वाली सिचुएशन में क्या है, न्यूट्रलाइज ही है। जब आपने इनको एटमिक लेवल पर मिक्स किया, ओके, जंक्शन डायोड की मिक्सिंग समझते हैं, स्टडी कर रखा है हमने, जब हम इसको एटमिक लेवल पे मिक्स करते हैं तो उस मिक्सिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एन टाइप में जो मेजर चार्ज कैरियर्स हैं वो पी टाइप के होल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए, इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन यहां आके फुलफिल हो गए। अब यहां आके फुलफिल हो गए तो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, एन टाइप नेगेटिवली चार्ज हो गया। स्टूडेंट्स यहां देखिए, एन टाइप क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज नहीं, कैसा हुआ, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो कैसे मूव कर गए, वो होल्स के साइड में मूव कर गए, तो यहां पे उन्होंने वैकेंसीज क्रिएट कर दी, तो जो एन टाइप है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सिमिलरली क्या हुआ कि जो पी टाइप है वो कैसे चार्ज हो गया, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए हैं स्टूडेंट्स, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन एक क्रिएट हो गया, एक लेयर क्रिएट हुई डायोड में, और इस लेयर को हमने डिप्लेशन लेयर कहा है पीएन जंक्शन डायोड में। इतनी बात हम लोगों ने ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में भी स्टडी कर रखी है और अभी भी हम इतना कंसेप्ट इजीली समझते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जब आपने इसको बैटरी के रिवर्स बाइस में कनेक्ट कर रखा है तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल है तो देखिए होगा क्या, पॉजिटिव टर्मिनल है तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या करने लग जाएंगे, रन करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब रन करना स्टार्ट हो जाएंगे तो सोचो यहां पे होल्स क्रिएट होंगे, समझना बात को, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से रन करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ रन किया तो यहां पे क्या क्रिएट होगी, वैकेंसीज, होल बने, इन होल को कौन फुलफिल करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इन होल की जगह आएंगे, ओके, इन होल्स की जगह आएंगे तो होल्स यहां क्रिएट हो गए। यहां क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो डिप्लेशन लेयर की साइज है वो इंक्रीज हो गई, डिप्लेशन लेयर पहले यहां तक थी, अब डिप्लेशन लेयर कहां तक हो गई, यहां तक हो गई है स्टूडेंट्स, ओके। सेम कंडीशन आप देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचे, कैसे चल रहे इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का मोशन है, ओके। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस तरीके से चलेंगे, ओके, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स यहां चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आके क्या कर रहा है, यहां पे फुलफिल हो रहा है, इन होल्स को फुलफिल कर रहा है, ओके। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, ये होल्स अट्रैक्ट कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचकर अब देखो यहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर बनी हुई है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे नहीं आने देंगे, तो इधर से भी डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। पहले देखिए डिप्लेशन लेयर कहां तक थी, पहले डिप्लेशन लेयर थी ओनली ये वाले पार्ट में, अब डिप्लेशन लेयर कितनी हो गई, अब डिप्लेशन लेयर हो गई पूरे इस वाले पार्ट में, ये पूरी डिप्लेशन लेयर हो गई, तो रिवर्स वाइसिंग में क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है स्टूडेंट्स, तो उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। देखो अगर हम जो है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ, और वो पोटेंशियल बैरियर कितना क्रिएट हुआ, वो क्रिएट हो गया 0.7 वोल्ट क्रिएट होता है फॉर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, इसके लिए आपने देखा, ठीक है, अच्छा 0.7 क्रिएट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन चले तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, देखिए 0.7 वोल्ट था, इस बैटरी ने क्या किया, यहाँ के होल्स को अट्रैक्ट किया, होल्स को अट्रैक्ट करने के बाद में होल्स को अट्रैक्ट किया, इधर नेगेटिवली चार्ज ने क्या किया, होल्स को रिपेल किया, रिपेल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ, उस मोशन की वजह से करंट फ्लो हुआ, और उस करंट को आप हम कौन सा करंट कहेंगे, ट्रांजिएंट करंट कहेंगे, थोड़ी देर के लिए ही वो करंट फ्लो होगा स्टूडेंट्स, कौन सा करंट कहेंगे उसे, ट्रांजिएंट करंट, ओके, ध्यान से रखिएगा, ट्रांजिएंट करंट फ्लो हो रहा है अभी फिलहाल इस सिचुएशन में, कौन सा जो ये जो करंट फ्लो हुआ वो फ्लो हुआ ट्रांजिएंट करंट, समझ में ही बात। अब देखिए क्या हुआ, अब देखो जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की साइज इंक्रीज होगी, वैसे वैसे पॉजिटिवली चार्ज यहां पे कलेक्शन होगा, नेगेटिवली चार्ज यहां पे कलेक्शन होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब यहां से कलेक्शन होगा तो जो आपके पास 0.7 वोल्ट जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगी, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इस करंट का फ्लो ऑफ हो जाएगा, बात को समझना, ठीक है।
देखिए, जब आपने बैटरी को कनेक्ट नहीं कर रखा था, फिर से सुनना, जब हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं कर रखा था रिवर्स बायसिंग में, तब हमारे पास डायोड में जो पोटेंशियल बैरियर था वो 0.7 वोल्ट का था। हमने जैसे ही बैटरी को रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन समझ में आना चाहिए आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कैसे आएगा, पॉजिटिवली चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन की वजह से डिप्लेशन लेयर का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिप्लेशन लेयर इस तरफ से इंक्रीज होगी, डिप्लेशन लेयर इस तरफ भी इंक्रीज होगी। डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होने का मतलब हो गया कि एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीमेंट हो जाना और पी टाइप में नेगेटिव चार्ज का इंक्रीमेंट हो जाना। तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मतलब इंक्रीमेंट से क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा, 0.7 वोल्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये इंक्रीज होगा जैसे ही इसका पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, डिप्लेशन लेयर का जो पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, तो करंट का फ्लो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस करंट के फ्लो के ऑफ होने से पहले जो करंट फ्लो हो रहा था उस करंट को आपने कौन सा करंट कह दिया, ट्रांजिएंट करंट कह दिया। ट्रांजिएंट का मीनिंग हो गया कि बहुत स्मॉल टाइम तक, स्मॉल करंट कह लो या ट्रांजिएंट करंट कह लो, ट्रांजिएंट का मीनिंग हो गया स्मॉल। ठीक है, स्मॉल टाइम तक करंट फ्लो होगा। ठीक है, एग्जांपल समझो, जैसे आपने यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी ले रखी थी। ओके, जैसे डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होते ही देखो ये किस तक पहुंचा, ये 5 वोल्ट तक पहुंचा। कौन, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर क्योंकि डिप्लेशन लेयर की साइज इंक्रीज कर रहे हैं आप लोग, इंक्रीज कर रहे हैं, तो 0.7 वोल्ट कहां पहुंचा, 0.7 वोल्ट 5 वोल्ट पे पहुंच गया। तो 5 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर, दोनों इक्वल कंडीशन आ गए, इक्वल कंडीशन आ गई तो क्या हो गया, अब करंट का फ्लो ऑफ हो गया। तो रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो ही नहीं होता, ऐसा हम पहले समझ चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो स्मॉल टाइम तक करंट फ्लो हुआ, इसको यहां से यहां तक पहुंचने से पहले जो करंट फ्लो हुआ, उस करंट को हमने कह दिया ट्रांजिएंट करंट। ओके, इतनी सी बात तो हमें समझ में आई। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये जो हमारे पास में जो डिप्लेशन लेयर बन गई ना, इस डिप्लेशन लेयर में हम क्या करेंगे, हम एक ट्रांसप्लेंट जो है प्लेट को यूज कर लेंगे, है ना, इसके ऊपर हम एक कोटिंग कर देंगे प्लेट की। ओके, जो है ट्रांसप्लेट होगी, है ना, ट्रांसप्लेंट का मतलब हो गया कि मतलब अब हम इसके ऊपर लाइट को स्ट्राइक करवाएंगे। कहां पे, इस डिप्लेशन लेयर पे हम लाइट को स्ट्राइक करवाएंगे। इस डिप्लेशन लेयर को मैं थोड़ा सा अलग से साइड में निकाल लेता हूं। देखिए ये हमारी यहां पे डिप्लेशन लेयर है। ओके, चलो इसको अलग ही बना लेते हैं फिर से। ओके, ये समझ में आया, ट्रांजिएंट करंट समझ में आया। ठीक है, ट्रांजिएंट करंट को समझाने के लिए मैंने अभी तक वर्क किया है। अब हम लाइट एनर्जी को इसके ऊपर क्या करवाएंगे, स्ट्राइक करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे, और फिर वो लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि क्या है, हमारे फोटोडायोड का वर्क है। ओके, और हमें इजीली इसकी वर्किंग समझ में आएगी स्टूडेंट्स। तो ये वाला फिनोमिना आपको समझ में आया होगा, इसको पहले भी हमने स्टडी कर रखा है। ओके, तो देखिए अब हम बात करेंगे किसके, लाइट एनर्जी को स्ट्राइक करवाएंगे। तो हमें देखो अभी तक इतनी बात समझ में आई कि जो हमारे पास में डायोड है, ओके, कौन सा डायोड, पी एन जंक्शन डायोड जो है, ठीक है, इसमें हमारे पास डिप्लेशन लेयर की साइज इंक्रीज हो चुकी है। पहले कुछ भी थी उससे मतलब नहीं है, पहले जो भी थी, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज, पहले सपोज कर लो ये थी, बट अभी इस टाइम पे सिचुएशन ये है। ओके, जब सिचुएशन ये है, यहाँ पे होल्स है, तो ये देखिए यहाँ पे होल्स को फुलफिल कर लिया आपने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, मेजर चार्ज कैरियर्स हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसको कोटेड कर दिया, एक ट्रांसप्लेंट मटेरियल से इसको कोटेड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लाइट को स्ट्राइक करवाएंगे, लाइट आएगी यहां पे आके क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी इस पूरी प्लेट पे। ओके, और जो लाइट आएगी उसकी एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक, प्लैंक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो लाइट स्ट्राइक करवाएंगे, लाइट इंसिडेंट करवाएंगे हम डायोड पे, पीएन जंक्शन डायोड पे, वो E इज इक्वल टू एच न्यू की लाइट होने वाली है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए जब ये लाइट आके कहां पे स्ट्राइक करेगी, जंक्शन डायोड या डिप्लेशन लेयर पे स्ट्राइक करेगी, तो एक चीज ध्यान से समझो, ये डिप्लेशन लेयर है। अब डिप्लेशन लेयर है तो डिप्लेशन लेयर में क्या है, शॉर्टेज ऑफ चार्जेस है। फिर से समझना, डिप्लेशन लेयर में क्या है, शॉर्टेज ऑफ चार्जेस, चार्जेस की शॉर्टनिंग है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए, डिफ्यूज होके क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। फिर से समझना,
मैंने क्या कहा है स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा डिप्लेशन रीजन में शॉर्टेज ऑफ चार्जेस है स्टूडेंट्स। शॉर्टेज ऑफ चार्जेस का क्या मीनिंग हुआ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ रिकम्बाइंड हो गए, डिफ्यूज हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। ओके, तो यहां पे जितने भी एटम पड़े हैं सिलिकन के, अगर सिलिकन का जंक्शन है तो सिलिकन के जितने भी एटम पड़े हैं वो सारे के सारे फिलहाल इस सिचुएशन में न्यूट्रलाइज हैं। ओके, अब देखिए, सोचो कि यहां पे अभी फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज है, सिलिकन का ही कोई एटम है और न्यूट्रलाइज है, मतलब अपनी वैकेंसी को, अपनी अपना जो ऑक्टेन है ये कंप्लीट कर चुका है, चार इलेक्ट्रॉन इसके पास है आउटर सेल में और ये अदर फोर के साथ में अपनी बॉन्डिंग बना के न्यूट्रलाइज होके यहाँ पे फ्री पड़ा है। ओके, जैसे ही देखिए लाइट आके, ये जो E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी की लाइट आके क्या करेगी, इस जैसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे, न्यूट्रलाइज एटम्स होंगे और न्यूट्रलाइज एटम्स आके स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, आउटर सोर्स से एनर्जी मिलेगी, आउटर सोर्स कौन है, लाइट एनर्जी, उससे एनर्जी मिली, एनर्जी मिलते ये क्या करेगा, यहाँ पे वैकेंसी को क्रिएट कर देगा स्टूडेंट्स। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पॉजिटिवली लेयर है तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव लेयर की तरफ ओके रन करना स्टार्ट कर देगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो होल है, ये होल क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ बहुत सारे, ओके तो ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये जो वैकेंसी, ये क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। अब देखो, चूंकि हमने इसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट कर रखा है, देखिएगा हमने इसको कैसे कनेक्ट कर रखा है, रिवर्स बायसिंग में, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स रन करेंगे किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे रन करने लग जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रन करने लग जाएगा। अब यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मतलब जब लाइट E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी की लाइट जब आके डिप्लेशन लेयर पे स्ट्राइक करेगी तो यहां से भी क्या होगा, पेयरिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे उतने ही होल्स प्रोड्यूस होंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो किस तरफ मूव कर जाएंगे, पॉजिटिव लेयर की तरफ मूव कर जाएंगे, और होल्स किस तरफ मूव कर जाएंगे, नेगेटिव लेयर्स की तरफ मूव कर जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इधर से वैकेंसी की तरफ मूव कर गए तो यहां पे क्या क्रिएट हो गए, होल्स क्रिएट हो गए। देखिए रिजल्टेंट फॉर्म में क्या हुआ, रिजल्टेंट फॉर्म में डिप्लेशन लेयर का साइज शॉर्ट होने लग गया स्टूडेंट्स, देखो हुआ ना, रिजल्टेंट डिप्लेशन लेयर का साइज शॉर्ट हुआ। फिर से समझना कैसे हुआ, जैसे ही न्यूट्रलाइज एटम पे E इज इक्वल टू एच न्यू लाइट की एनर्जी आके स्ट्राइक कर रही है तो स्ट्राइक फॉर्म में क्या हुआ, पेयरिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हुए। पेयरिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स का मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, एक होल प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रॉन जाके क्या कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज में जितने भी होल्स हैं उन सबको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, ठीक है, फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये पॉजिटिव लेयर जो है ये क्या हुई, ये पीछे की तरफ आई। सेम कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे जो वैकेंसी थी इस वैकेंसी को किसने फुलफिल किया, इधर वाले इलेक्ट्रॉन ने फुलफिल किया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, थोड़ा सा आगे एक्सीड कर गए, इधर से होल्स जो है वो पीछे की तरफ आए, ओके इधर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे की तरफ एक्सीड कर गए। रिजल्टेंट फॉर्म में क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर शॉर्ट हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैटरी आपकी 5 वोल्ट की थी, ठीक है, और यहां पे डिप्लेशन लेयर जब 5 वोल्ट की हो चुकी थी तो अब जो पोटेंशियल बैरियर है वो लेस देन 5 वोल्ट हो गया। जैसे ही लेस देन 5 वोल्ट हो गया वैसे ही क्या होगा, आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, इस डायरेक्शन में करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलेंगे उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में कौन चलना स्टार्ट कर देंगे, करंट चलना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में होल्स का करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए बात समझ में आई, हमने क्या किया, E इज इक्वल टू एच न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करवाया, डिप्लेशन लेयर पे क्या करवाया, स्ट्राइक करवाते ही जितने भी न्यूट्रलाइज एटम्स थे उन न्यूट्रलाइज एटम्स ने क्या किया, पेयरिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स को प्रोड्यूस किया। पेयरिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या कर रहे हैं, डिप्लेशन लेयर को शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट की वजह से क्या हुआ, जो पोटेंशियल बैरियर है वो रिड्यूस हुआ। पोटेंशियल बैरियर का रिड्यूस होना मस्ट कंपल्सरी था स्टूडेंट्स,
क्यों कंपलसरी था? क्योंकि यहाँ पे जब हमने लाइट को, लाइट एनर्जी को यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करवाया था, उससे पहले यहाँ एक सिचुएशन बन गई थी। वो कैसी सिचुएशन बनी थी? कुछ ऐसी, सपोज करो कि आपके पास दो बैटरीज हैं ऐसे, अब ये भी 5 वोल्ट की बैटरी है और ये भी 5 वोल्ट की बैटरी है, तो इस सिचुएशन में करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से भी 5 वोल्ट की बैटरी, नीचे से भी 5 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, तो करंट का फ्लो होना ऑफ हो जाएगा, क्योंकि करंट ऊपर फ्लो करवाएगा, ये करंट नीचे फ्लो करवाएगा, तो रिजल्टेंट फॉर्म में करंट क्या हो गया? जीरो। तो यहां पे आई हो गया जीरो। ये सिचुएशन थी जब हमने लाइट एनर्जी को इसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करवाया था। क्यों थी, कैसे बनी थी? क्योंकि डिप्लेशन लेयर की साइज क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी। इंक्रीज होते होते पोटेंशियल बैरियर 5 वोल्ट के आसपास पहुंच गया, 5 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट डिप्लेशन लेयर, करंट ऑफ हो गया, ठीक है। जितनी देर तक करंट फ्लो हुआ उस करंट को कौन सा करंट कहा हमने? ट्रांजिस्ट करंट उसको हमने कहा है, ओके। अब क्या किया, लाइट एनर्जी को हमने स्ट्राइक करवाते क्या हुआ? डिप्लेशन लेयर की साइज शॉर्ट हुई। डिप्लेशन लेयर की साइज शॉर्ट होते ही क्या होना है स्टूडेंट्स? ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये लेस हो जाएगा बैटरी के पोटेंशियल से। जैसे ही लेस हुआ अब करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे सपोज करो कि आपने जैसे ही इसको रिवर्स वाईसी में कनेक्ट किया, तो अब यहां पे क्या वोल्ट हो गया? 4 वोल्ट हो गया, यहां 5 वोल्ट हो गया। तो अब रिजल्टेंट फॉर्म में जो करंट आएगा I = 1 एम्पियर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और उस 1 एम्पियर को हम कहां से मेजर करेंगे? माइक्रो एमीटर से मेजर करेंगे स्टूडेंट्स। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, होप करूंगा कि हमें फोटो डायोड इजीली समझ में आया होगा। ओके, क्लियर? यस नहीं? ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करूं? मुझे लगता है कि शायद मैंने जितना एक्सप्लेन किया है और आपने मुझे अच्छे से सुना है तो आपको इजीली समझ में आया भी होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए एक्चुअली आज के वीडियो को हम इतना ही बनाएंगे, इससे आगे नहीं लेके जाएंगे। मेरा टारगेट था कि मैं आपको एलईडी का कंसेप्ट भी समझा दूं, ठीक है, बट जो है एलईडी का कंसेप्ट मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर मुझे अपलोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से मैं आज की वीडियो को छोटा ही रखने वाला हूँ। ओके, तो आप जो है वीडियो को जो है एक बार, अगर आपको कोई भी थोड़ा सा डाउट रहा है तो आप एक बार फिर से वीडियो को स्टार्टिंग से जाएं, स्टार्टिंग से पूरा देखें, अच्छे से सुने, अच्छे से समझें। जितना माइंड में अपनी इमेज बनाएंगे स्टूडेंट्स, उतना ही बेस्ट कंसेप्ट आपको समझ में आने वाला है फोटो डायोड का। मैंने होप भी करनी है कि आप लोगों ने अच्छे से इसको रिटर्न भी कर लिया होगा अपनी नोटबुक में, ओके, समझने के लिए। और जिन्होंने रिटर्न नहीं किया, जो आलसी हैं, जिनको जोर आता है, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, ओके, और कंटिन्यूसली अपनी स्टडी को रेगुलर रखें, ओके, ब्रेक ना करें। जल्दी ही स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्कूल स्टार्ट होने से पहले जितना मैटर हम जो है कवर कर सकें उतना हमारे लिए बेस्ट है, उतना हमारे लिए बेटर होने वाला है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वही सेम टॉपिक के साथ, स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड्स, बट उसका सेकेंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक लाइट इमिटिंग डायोड और सोलर सेल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।